कलाकार पप्पू गुप्ता ने कैसे दिया कोरोना को मात। मैंने कोरोना को हराया है कि आज की कहानी में हम बात कर रहे हैं मोगलपुरा जग्गी का चौराहा सरस्वती स्टूडियो के प्रोपराइटर और प्रसिद्ध कलाकार पप्पू गुप्ता की, जो पटना सिटी पटना के रहने वाले हैं। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, जब परिवार के लोगों का साथ और उनका सहयोग मिला तो लगा कट जाएगी ये कष्ट की घड़ी। मैं दोस्तों बयान नहीं कर सकता कि कैसी मेरी हालत हो गई थी। बुखार, सर्दी और जुकाम से 2 दिन परेशान रहा। जांच कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। घबराहट के मारे घर में आकर धड़ाम से बिस्तर पर पड़ गया। लोगों को बताया मैं कोरोना के चक्कर में पड़ गया, क्या होगा अब। मेरी घरवाली यानी मेरी पत्नी ने ढाढ़स बंधाया। सबसे पहले उसने हवादार कमरे में कहा, आप इसे अपना घर बना लीजिए, किसी से बाहर आकर बात नहीं करनी है, मोबाइल से हम लोग आपसे बात करते रहेंगे। हिम्मत बढ़ी, मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। रोज काढ़ा का सेवन करना शुरू किया। कई वैद्य के नुस्खों से सहारा मिला। गर्म पानी से लगातार भाप लेता रहा, रोजाना 3-4 बार। गिलोई इत्यादि का सेवन करता रहा। गरम गरम भोजन, नाक में सरसों का तेल डालना चालू रखा। डॉक्टर सिकंदर आलम, जो उस समय स्वयं बीमार थे, फिर भी उन्होंने मदद की। डॉक्टर सिकंदर आलम की सलाह पर दवाई चली और धीरे धीरे मैं स्वस्थ होने लगा। अब बहुत अच्छा हो गया हूं, पर कमजोरी है। खाना पीना संतुलित आहार के साथ चलता रहा। बेटा, बहू, पत्नी बहुत उत्साहित करते रहते हैं, इससे आत्मबल बढ़ा, घबराहट कम होती गई। मोबाइल का सहारा है। संगीत कला क्षेत्र में काम करता हूं, इस कारण बहुत पुराने मित्रों ने भी उत्साहित किया। खाली समय काटना बड़ा कठिन हो रहा था, पर संगीत का साथ है। संगीत ने बहुत सहारा दिया, मन को सुकून मिलता है। डॉक्टर ने तो हॉस्पिटलाइज होने की सलाह दी थी, पर अपने परिवार का साथ और स्वयं हौसला बुलंद कर घर पर ही चिकित्सा कराता रहा। वही दादी के नुस्खे आज काम आए। हल्दी, अदरक, दालचीनी के काढ़ा ने जान बचाई और जिंदगी को आसान बनाया। मैं आत्मविश्वास के बल पर पोते, पोती, नाती के चेहरे देखकर शक्ति बटोर रहा हूं और अब निरोग हो चला हूं। स्वयं का दृढ़ संकल्प और अपनों की हौसला अफजाई बहुत काम आई। इसलिए आप भी अपने हौसले को बुलंद रखिए। आपका परिवार, आपका समाज आपके साथ है, क्योंकि कोरोना को हराना है।